हेलो ओवर, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिक्टर दी, मेरा नाम है लिसन। वेलकम बैक टू एन अदर रिएक्शन वीडियो। थैंक यू सो मच, मुझे तेजरन की वीडियोस पे इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आप लोगों की काफ़ी सजेशन भी मुझे आ रही है। इंस्टाग्राम पे एक लंबी लाइन लग चुकी है और ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो पेंडिंग है। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस टाइम पर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं लेट हो गया तो ये लिस्ट और बढ़ती जाएगी और फिर मैं कवर अप नहीं कर पाऊंगा। सो जो आज की वीडियो है, तेजरन दी डेस्टिनी शॉर्ट फिल्म है ये। इसकी काफ़ी सारी कमेंट्स में सजेशन थी और मुझे दो तीन लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी इसका लिंक दिया है। सो लेट्स वॉच आउट। चनप्रीत चाहल, इनका ये वीडियो है। हालांकि ये ऑलरेडी फैन मेड है, बट पता नहीं क्यों कलर्स टीवी का मैं कुछ भी अपलोड करता हूँ तो वो बैन हो जाता है। आई डोंट नो अभी अभी जाएगा या नहीं। अगर तो ये बैन हुआ तो मैं ये जो रिएक्शन वाला पार्ट है ये काट के या फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे, तो आप वहाँ देख लीजिएगा और लिंक आपको दे दूंगा। सो लेट्स वॉच आउट, होप सो के कुछ नहीं होगा इसको। हमने कई बार लोगों को कहते हुए सुना है कि कितने दूर दूर क्यों ना हो दो लोगों के रास्ते, मिल जाते हैं जो बने हो एक दूसरे के वास्ते। और फिर हमने देख भी लिया। ऑलमोस्ट सब तरह के इमोशंस। ओह, ये क्या हेयर स्टाइल है। वो मिले नसे मिले, लेकिन अभी लिखा नहीं था उनकी किस्मत में मिलना। तेजस्वी इस ड्रेस में थोड़ी मोटी लग रही है। उस समय किसको पता था, किसको खबर थी, किसी को अंदाजा भी न था कि तेजरन की ये पहली मुलाकात क्या कहानी लिखने जाने वाली है। कहानी ये तेजरन की है, लेकिन इसको सुनाने के लिए शायद किसी ने हमें चुना। नाउ वेलकम टू बिग बॉस पन पना पन पंद्रह। आते फर्स्ट सांसें मिले तो लगने लगे, एहसास मेरे मुझसे कहने लगे। जिंदगी के हसीन रास्ते पे अकेले चल रहे, सोचा न था कि किसी मोड़ पर आप जैसा हम सफर मिल जाएगा। से नजरें मिली और फिर आया वो पल जहाँ से शुरू हुआ तेजरन का दोस्ती से प्यार तक का सफर। सुना है ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है। सुना है करण को ऑफकोर्स हम लोग कर लेंगे, ले लेंगे करण को, वो तो प्रायोरिटी है मेरा, ठीक है, करण को ले लेंगे। बट अगर ये तेजा गलत जाता है, अब वक्त है बिग बॉस सीजन 15 के पहले अपग्रेड का।
तेजा अपनी दहलीज पे I'm gonna keep it very short. Honestly बता, जब से हम लोग आए हैं तब से हम लोग ने दो मिनट हमने बात की है नहीं मैं थोड़ा shy हूँ life में extremely fond ठीक है and बिकॉम थोड़ा expression issues है it took a lot for me to actually say कि देखो I'm gonna miss you a lot I need to be given rights अगर मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ of course you can welcome back to the jungle आज कीर बनेगी कीर आज दूध दे कीर बनाएंगे आज हम आपके स्वागत में आइए इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तेजस्वी इसका कोई दोस्ती तो बहुत प्यारी थी लेकिन उस दिन देखी हमें प्यार की वो पहली झलक जिसने दिया उस समय सब कुछ है वो कॉमेडी लाइफ में थोड़ी सी अजीब सी तो मुझे पसंद तो थी आई थॉट उधर से ही उधर से कुछ नहीं yeah. I like her. जो मुझे चाहिए वो तो मैं लेके रहूंगा She's going to be a tough nut to crack. देखा जब से तीन हफ्ते से छुपा ही रहा था बट मैं तो हफ्तों से मुझे ऐसे लोग जो बहुत ही endearing होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं जो चीजें मुझे अच्छी लगती है एक अच्छे इंसान में वो सारी चीजें हैं तेजा में और भी लोगों में हैं बट एक कंप्लीट पैकेज है तेजा के अंदर और वो तेजा बहुत क्यूट भी हैं मुझे पाया नहीं है फिर भी कौन ऐसे डर रहा हूँ तुझसे तेरा चेहरा मैं पढ़ रहा हूँ फिर भी कौन ऐसे डर रहा हूँ चुप चुप के तुझसे तेरा चेहरा मैं पढ़ रहा हूँ थोड़े आंसू थोड़ी यादें थोड़ी चाहत थोड़े वादे उसमें बाकी अब तलक क्यों तेरे जज्बात है ये प्यार नहीं तो क्या 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 है तो तेरे को मैं पसंद हूँ ना वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने सजोता था पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी पर अब जो होता है वो पहले न होता था लगा
एग्जैक्टली ये पॉइंट मैं ढूंढना चाहता कब आएगा मेरी जो हालत है ना अभी मैं तेरे सामने रो नहीं रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरी अंदर से बात नहीं लग रही उसे मुझसे बात करनी हमेशा मैं क्या करूँ ओके बोलूंगी ना वो भी पहले मैंने मुझे अपने बारे में इतनी सारी चीज़ें पता चली हैं मुझे नहीं पता था कि एक लड़की मेरी जिंदगी में इतनी सारी डिफरेंसेस ला सकती है आई डिडंट नो दैट 1% कैन मेक सच अ बिग डिफरेंस इन माय लाइफ दिस 12 वीक्स दैट आई स्पेंट विद यू हैव बीन द बेस्ट 12 वीक्स ऑफ माय लाइफ I've never felt like this. This intense. This madness. This craziness. This one's good. I need a yes. Usne naam maan ke jana kya hai? P.S. You said it first. P.S. I love you. प्यार उससे आप मुझे उसके खिलाफ कभी कर नहीं पाओगे मुझे बहुत विश्वास है उससे सेम पेज पे हूँ या ना हूँ वेर इट कम्स टू ओपिनियंस क्योंकि हम अलग लोग हैं एज लॉन्ग एज यू कम आउट ऑफ इट स्ट्रॉन्गर नथिंग विल हैपन कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता लोग परफेक्ट होते हैं
और अगर आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट है तो कोई सपना नहीं। और कभी दूर होंगे, कभी पास होंगे, कभी इमोशनल होंगे, कभी एंग्री होंगे, कभी सिक को फिर जगह होंगे, कभी कांट बी लिव विदाउट ईच अदर होंगे। ऐसे ही होता है ना रिलेशनशिप, ये फिल्मों में जैसा होता है वो थोड़ी होता है रिलेशनशिप। सी द ग्लास इज ऑलवेज हाफ फुल। तो ख़त्म एक्सपेक्टेड था बट काफ़ी डिफरेंट ये वीडियो था एज़ कम्पेयर टू सेड नाज। उसमें मैंने देखा था कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी जो उनके घर के अंदर के और लोग भी थे उनके साथ। इसमें थोड़ा कम नजर आया, इसमें 10 मिनट तक तो मैंने उनके हैप्पी मोमेंट्स को ही देखा और मैं वेट कर रहा था कि कब थोड़ा सा इमोशंस चेंज हो। और क्योंकि जब दो इंसान साथ रहें तो एक ही तरह की लाइफ में वैसे ही हम एक ही तरह के इमोशन के साथ नहीं जीते बल्कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो वो कुछ वैसे ही थे। और उन अप्स एंड डाउन्स में भी वो लिमिटेड टाइम के लिए उलझते थे फिर साथ हो जाते थे, तो दैट इज़ गुड। और बिग बॉस की बात करूँ तो बिग बॉस में एक चीज़ जो कि अच्छी होती है स्पेशली कपल्स के लिए वो ये कि उन्हें सारा टाइम रहना उस घर के अंदर ही होता है। नॉर्मल लाइफ में दो बंदे लड़े तो दोनों की रूटीन्स डिफरेंट होती हैं, वो वहाँ बिजी वो वहाँ बिजी, तो एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलता। बट उस एक घर के अंदर आप लड़ भी लें तो रहना तो आपको उसी घर के अंदर ही है, तो सॉर्ट आउट जल्दी हो जाते हैं और मोमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं, वो फिर बाद में मेमोरीज भी बन जाती हैं। तो एक एक मोमेंट इनके लिए अब इनकी मेमोरी है। और क्या कहने वाला था मैं, और मैं ये कहने वाला था कि इनकी ये जो एंड पे एक तो जिन्होंने एडिट किया है उनके अपने वॉइस ओवर्स से स्टार्ट में और एंड पे जितने भी ये करण के वॉइस ओवर्स थे वो बड़े ही एक एक बात कमाल की हुई थी, और एडिट करके जो उसको इको के साथ अटैच किया गया एडिटिंग में वो बहुत लेवल लग रहा था। और जितने भी वो क्या कह सकते हैं कि ओथ ले रहा था या प्रोमिसज कर रहा था कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ऑलवेज ग्लास जो है वो हाफ पानी वाला है, और डजंट मैटर के हम लड़ें झगड़ें बट हम हमेशा साथ रहेंगे। और उसने कहा कि जैसी तुम जैसी भी हो मुझे वैसे ही एक्सेप्ट हो। सो इट इज़ अ क्यूट शॉर्ट फिल्म। आई गेस अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स मिस थे बिकॉज इनकी हाउस के दूसरे मेंबर्स के साथ जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो इसमें रिकॉर्डेड नहीं थे, तो वो भी मे बी उन्होंने किए हों क्योंकि टास्क वगैरह मिलते हैं बिग बॉस में बहुत सारे। तो ये अभी भी छोटी थी, मुझे सजेस्ट कर रहे हैं आप लोग और भी, मैंने लिंक देखे बट आप ये भी कहते हैं कि दूसरे चैनल्स जो हैं वो अपलोड कर देंगे, कॉपीराइट नहीं आता, बट मुझे कॉपीराइट आया था। आई डोंट नो कलर्स टीवी वालों को मुझसे क्या मसला है, बट मैं जब भी अपलोड करता हूँ मैंने सेडनास की बहुत सारी वीडियोज़ बिग बॉस की अपलोड की हैं, उन पर कॉपीराइट आ जाता है, तो इस वजह से वो बैन हो जाती हैं। खैर लेट्स सी कि ये बैन होता है या नहीं। दैट वाज़ द रिएक्शन, होप सो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं किसी नए रिएक्शन के साथ, अब तक के लिए अलविदा।